सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों वन प्लस की तरफ से अपकमिंग न्यू अफोर्डेबल टीवीज के बारे में। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं हूं एज ऑफ नाउ वन प्लस इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहां पे कमिंग सून करके दिखाया गया है। तो यहां पे आप लोग देख पाएंगे इनकी वाई सीरीज में जो है दो आप लोगों को अपकमिंग वेरियंट देखने को मिलेंगे, Y1S एंड Y1SH। बात करते हैं दोस्तों इन टीवीज के बारे में, इनकी प्राइसिंग के बारे में एंड इनकी अवेलेबिलिटी के बारे में। तो एज ऑफ नाउ जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं कमिंग सून लिखा हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 वीक्स जो है आप लोगों को ये वाली टीवीज जो है खरीदने के लिए मिल जाएंगी। बात करते हैं दोस्तों इन टीवीज के प्राइसिंग की। तो अगर हम रीसेंट ट्रेंड देखें तो इनकी जो पिछले जनरेशन वाली टीवीज की प्राइसिंग है दोस्तों, दैट इज वाई सीरीज, वहां पे निकल कर आती है समवेयर अराउंड 16,000 रुपीज। तो यहां पे आप लोग कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग 1 साल हो चुके हैं पुरानी टीवीज को लॉन्च हुए, तो स्टार्टिंग वेरिएंट जो है आप लोगों को यहां पे 17,000 रुपीज का देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों तो आप लोगों को मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि इस टीवी के दो वेरिएंट हैं Y1S और Y1SH। तो एज वाला जो वेरिएंट है मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ उनके ऑफलाइन चैनल्स पे देखने को मिलेगा, वेरस जो नॉर्मल वेरिएंट है उनका Y1S वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को जो है सिर्फ ऑनलाइन चैनल के थ्रू खरीदने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों इनके डिस्प्ले के साइज की। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे कि पिछले बार हुआ था आप लोगों को, इस बार भी 32 इंच, 40 इंच एंड 43 इंच के जो है डिस्प्ले ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली जो 43 इंच वाला ऑप्शन होगा दोस्तों, दैट विल बी फुल HD एंड यहां पे रिफ्रेश रेट आप लोगों को मोस्टली 60 हर्ट्ज का ही देखने को मिल जाएगा। यहां पे आप लोग देख पाएंगे कि नीचे का जो टीवी का है बॉटम वाला हिस्सा दिखाया गया है, एंड कंसीडरिंग दिस यहां पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो बेजल्स है काफी ज्यादा नैरो आपको देखने को यहां पे मिल रही है। तो कहीं ना कहीं बजट सेगमेंट में भी दोस्तों लुक्स के मामले में यहां पे OnePlus जो है एक अच्छा काम कर रहा है। बात करते हैं दोस्तों यहां पे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहां पे आप लोगों को एंड्रॉइड टीवी 11OS देखने को मिल जाएगा, साथ ही में यहां पे आप लोगों को HDR 10 प्लस का जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा, डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट यहां पे देखने को मिल जाएगा। आपका क्या मानना है दोस्तों इन टीवीज के बारे में, मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। वेल इन टीवीज के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स यहां पे वाई सीरीज जो होती है OnePlus की तरफ से अल्ट्रा अफोर्डेबल सीरीज होती है। तो सबसे लोअर एंड मॉडल जो होता है दोस्तों OnePlus की टीवी की लाइनअप का, वो आपको वाई सीरीज में ही देखने को मिल जाता है। तो ज्यादा कुछ यहां पे दोस्तों उतना मैं कहूंगा खास फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, कंसीडरिंग कि इस तरीके की यहां पे प्राइस रिस्ट्रिक्शंस रहती।